नमस्कार नीमच जी, टुडे में आपका स्वागत है। नीमच का पहला मेडिकल कॉलेज का कल शुभारंभ होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच आ रहे हैं। उनका प्रोग्राम पहले तय हो गया था, बीच में पता चला कि कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि उनका प्रोग्राम तय हो चुका है और वे नीमच के वीरेन कुमार सकलेजा मेडिकल कॉलेज की सौगात चल रही है और ये एक बहुत बड़ी सौगात नीमच को मिलने जा रही है। हमारे बीच है नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परियार साहब। भाई साहब, मेडिकल कॉलेज की सौगात कल मिलने जा रही है। सीएम साहब का कार्यक्रम कभी बन रहा था, कभी कैंसिल हो रहा था, अंततः सीएम साहब कल आ रहे हैं। मन में उत्साह है, उमंग है कि देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, हम सबके दिलों में राज करने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात मध्य प्रदेश की धरती पर दे रहे हैं, जिसमें नीमच का कॉलेज स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी के नाम से, दूसरा मंदसौर का कॉलेज स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा जी के नाम से, और एक सिवनी का कॉलेज। 3 कॉलेज हमारा कल वर्चुअल प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने नीमच के दिल में मोहन जी का बहुत आशीर्वाद है और वो नीमच में मेडिकल कॉलेज की सौगात देने 10 बजे नीमच की धरती पर पधारेंगे। नीमच की जनता से अपील है कि वो पलक पावने बिछाकर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारी प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक गणों का पलक पावने बिछाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। तो वो सीएम साहब क्या दोनों जगह के शामिल हुए कार्यक्रम में, पहले नीमच और फिर मंदसौर, तो पीएम का जो लाइव भाषण नीमच में सुनेंगे मंदसौर में सुनेंगे? वो उनके कार्यक्रम अनुसार वो मंदसौर सुनेंगे, मगर हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप नीमच में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, आप पधारें, तो वो सुबह जल्दी आएंगे और बच्चों से रूबरू होंगे, मेडिकल कॉलेज में जो जिन लोगों ने एडमिशन लिया है उनसे वार्तालाप करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं को हम उनका पलक पांव बिछा के स्वागत करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ बाद में रहने वाले हैं, जनप्रतिनिधि रहने वाले हैं, तो हम उनके नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री सब चले जाएंगे और जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह जी यही रहेंगे। हाँ, राजेंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी और अन्य हम विधायक गण, सांसद गण जो भी यही रहेंगे, वो जनता का, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पाथे हम सुनेंगे और उनके द्वारा जो सौगात दी जा रही है। पहले आप देखते होंगे, नीमच से हमें उदयपुर लेकर जाना पड़ता था या अहमदाबाद लेना पड़ता था या इंदौर लेकर जाना पड़ता था। अब कोई भी बीमार होगा तो कम से कम नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो रही है, अस्पताल बेड भी बढ़ रहे हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने हमें बहुत सारी सौगात दी। अभी एक भाटखेड़ा डुंगलावदा सड़क दी 133 करोड़ की, उन्होंने गांधी सागर का पानी प्रत्येक खेत में जाए जिसकी नीमच जावत दाब युक्त से फव्वारे पद्धति से सिंचाई योजना उन्होंने मंजूर की है, उनके लिए दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देते हैं। और मेडिकल कॉलेज जैसी एक सौगात उन्होंने दी है, हम तो चाह रहे हैं कि वो जल्दी ही हमारे यहाँ, उनके यहाँ फाइल पड़ी है जो नर्सिंग कॉलेज की, और हमने मांग भी करेंगे हम उनसे कि नीमच से लेकर और जो 8 लाइन है तब तक यहाँ इधर नीमच से मनासा, मनासा गांधी सागर होता हुआ और हमें 4 लाइन की और स्वीकृति दे जिससे नीमच को और चांद चांद लगे। मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और कल धनतेरस है, धन की वर्षा, हमारे यहाँ जिसके पास पहले पशुधन ज्यादा होता था उसको हम लखपति करोड़पति मानते थे, आज हमारे यहाँ पशुधन कम हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री पशुपालक है और उन्होंने जो लोग गाय को, माता को पालेंगे, 10 गाय रखेंगे, उन्हें बोनस देने का निर्णय लिया है। तो धनतेरस के दिन जिसे हम लक्ष्मी मानते हैं, जिसमें करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं, उस दिन वो आकर वो मेडिकल कॉलेज वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी के नाम का। पहले ऐसा कह रहे थे कि आपकी भोपाल में मुलाकात हुई थी, प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, आपने आग्रह किया कि नहीं साहब नीमच में शामिल होना जरूरी है। नहीं, हमारे मोहन यादव जी, नीमच से विशेष प्यार है उनको, यूं कह लें बहुत आए गए हैं और अभी उन्होंने जब शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री थे, नीमच विवेकानंद कॉलेज को सौगात दी, जीरन में उन्होंने हमें कॉलेज की सौगात दी, बेटियों के कॉलेज में हमें स्टेडियम के लिए उन्होंने हाँ करी है, तो ऐसी अनेक सौगातें उन्होंने नीमच से वो लगातार जुड़े हुए हैं, वो नीमच में उन्होंने दी है, तो उनका दिल से नीमच की जनता के प्रति लगाव है और हमारा भी हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति लगाव है क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण के बहुत काम किए, उन्होंने जो भी नीमच में आए थे, जो कह के गए थे, वो सारी सौगातें हमें दी है, तो उनका हम दिल की गहराइयों से नीमच की जनता से अपील करूंगा, जिला वासियों से
और हम सभी जनप्रतिनिधियों ने उनसे अपील करी कि आप नीमच आए और इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं तो आप आएंगे तो हमारे मन में प्रसन्नता होगी। उन्हें हम जनप्रतिनिधियों की बात को माना है, इसके लिए उनको दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देते हैं। उनका पलक पाव उन्हें बिछाकर हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में एनजी पटनागर साहब, संगठन क्या तैयारी कर रहा है? सीएम साहब का कल प्रोग्राम जम गया है, क्योंकि अचानक प्रोग्राम जम, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं बहुत उत्सुकता थी और बहुत पहले जो कार्यक्रम मना था उसको लेकर बहुत उत्सुकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी नीमच में आ रहे हैं तो उसको लेकर संगठन भी पूरी तैयारी से लगा हुआ है। वो पूरे गांव गांव घर घर खबर कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता आए और जो उन्होंने सौगातें दी हैं नीमच को, एक तरह से कहूंगा कि मध्य प्रदेश के नक्शे पर उन्होंने दिखा दिया कि नीमच कुछ है और नीमच के लिए इतनी बड़ी सौगातें उन्होंने दी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते थे कि नीमच के प्रति उनका इतना स्नेह लगाव है। और उन्होंने उसको बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाया, मेडिकल कॉलेज, 133 करोड़ की सड़क, सिंचाई दाब योजना और तो और नीमच सिंगोली मार्ग, ऐसे अनेकों उनने सौगातें दी हैं। इसलिए नीमच की जनता उनका उत्सुक है, कार्यकर्ता बहुत उनको लेके उत्साह है कि उनका पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करे, सत्कार करे, अभिनंदन करे। और हमारी भी सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, जनता से अपील है, जो मुख्यमंत्री नीमच के लिए कल्याणकारी काम कर रहा है, नीमच की जनता के लिए कल्याण के काम कर रहा है, उसका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करे, अभिनंदन करे। बहुत कम समय तैयारी हो जाएगी। अरे कम क्या होता है, जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में और जनता में, तो उसमें समय का कोई मायने नहीं रखता है। चाहे हमें एक घंटे पहले भी सूचना मिलती तो हम उनका ऐसा स्वागत करते हैं, और अभी तो हमें पर्याप्त समय, बहुत 24 घंटे का समय कम नहीं होता है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पौने 10 बजे नीमच जाएंगे और फिर यहाँ से मंदसौर चले जाएंगे। मंदसौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्चुअल प्रोग्राम है उसका भाषण सुनेंगे। पहले प्रोग्राम निरस्त हो रहा था लेकिन यह तय हो गया कि यह सीएम नीमच आएंगे और अब उनके आने की पूरी तैयारी कर ली गई है, सरकार ने भी कर ली है, संगठन ने भी कर ली है। नीमच टुडे के लिए राजा कुरेशी की रिपोर्ट।